अल्लामा तबाताबाई जो तफसीरुल मेज़ान जिन्होंने लिखी है, आपकी सलावात उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। अल्लाह इनके लिए भी होता है, आयतुल्ला बुरुजर्दी के लिए भी होता है। बहरहाल बुजुर्गान आँखों में शदीद तकलीफ़ थी, शदीद दर्द, सही नहीं हो रहा था। तो जो मातमी दस्ते होते हैं ना, मातमी अंजुमन संगतें, वो क्या करती हैं, वो खाक लगाते हैं यहाँ पे वहाँ पे, वहाँ पे रिवाज है खाक लेकर निशानी करते हैं कि हम खाक लगा हुआ है, हम मातम कर रहे हैं। तो वो चले गए, तो जो उनकी खाक बची हुई थी ना, तो वो अल्लामा ने उस खाक को उठाया और अपने आँखों को लगाया, आँखों का दर्द ठीक हो गया। इस खाक में क्या था, ये खाक असल में आज़ादार हुसैन की थी, जिस हुसैन के आज़ादार की खाक शिफा दे सकती है तो खुद करबला की खाक क्या कर सकती है। तो मामला क्या है, जाहिर है मामला नहीं, असल मामला को और है, मामला असल बातिन में है, छुपा हुआ है, हमें नजर नहीं आ रहा है। यानी खाक ने भी अपनी कीमत लगवा ली, खाक भी अपनी कीमत उस आलम में लगा रही है कि देखो मैं अब इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हूँ, क्यों, क्योंकि मैं आज़ादार हुसैन की खाक हूँ, मैं ज़ाहिरे करबला के कदमों की खाक हूँ। ये खाक शिफा देती है, वो कदमों की खाक ज़ाहिर के जहन्नुम की आग से निजात देती है। क्यों है ऐसा, आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि उस खाक ने भी अपनी कीमत पैदा कर ली है। जब खाक अपनी कीमत पैदा कर सकती है तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते। खाक सबसे छोटी चीज़ है ना, हम तो यूज़ भी करते हैं ना, जब कुछ नहीं होता तो खाक हो या क्या है, ये खाक है, यानी सबसे कम चीज़ है। जब सबसे कम की कीमत इतनी बड़ी हो, खुद उसकी कीमत कितनी बड़ी होनी चाहिए कि जो हुसैन हुसैन कर रहा होगा। यही तो अपलिफ्ट करना है इन चंद दिनों में। अज़ा ने मोहतम आज़ादारी और अज़ा से मोहब्बत करने वालों को अपने वजूद को समझना होगा, हमारी जिम्मेदारी है, हम आम लोग नहीं हैं। खूब घबराने की भी बात नहीं है, खूब जितनी भी टेंशन हो, जो भी परेशानी हो, क्या हो, काले कपड़े पहने पहने, काले स्याह रंग अज़ा का है, जिस इमाम के शहादत के महीने में खुदा ने किसी इमाम की विलादत ना रखी हो, तो इसका मतलब है पूरी कायनात आज़ादार है, पूरी कायनात आज़ादार है। खूब हमें भी आज़ादारी को खुल के करें, जितना हो सकता है करें, जो खर्च करते हैं करें, जो न्याज देते हैं दें, हम घरों की मुश्किलातों को हल करें, ये ना सोचें इस दफ़ा कम है तो कम हो ना, जितना देंगे उतना खुलता चला जाएगा मामला, मामला कोई और है कायनात में। कैसे कायनात में, जाने मोहतरम, सिर्फ ये एक ज़ात हमारी बका के लिए नहीं है, ये वो ज़ात है जिसके लिए अर्श में लिखा है इन्नल हुसैना मिसबाउल खुदा व सफीनातुन निजात, ये अर्श पे लिखा है। अर्श पे सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी मखलूकात आलम के लिए है कि हुसैन जो है वो हिदायत का चराग है और निजात की किश्ती है सबके लिए। अब ये असरात असल में हमारे जो वजूद पे पड़ रहे हैं, ये इस आलम के असरात हैं, ये जो शोरिश मची हुई है ये हमारे और आपके वजूद को हिला रही है। ये इमाम हुसैन पर गिरिया हमारे बस का काम नहीं है, ये खुद इमाम हुसैन के सजदे का कमाल है कि जिसकी वजह से मैं और आप गिरिया करते हैं।